نحمده ونصلي على رسوله الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. गुज़िश्ता किस्त में आपके सामने मैंने जादू की अलामत बताई थी और आज मज़ीद आगे जादू की अलामत में से एक अलामत जादू की ये है कि जादू के ज़रिए मियां बीवी को आपस में लड़ाया जाए और मियां बीवी आपस में एक दूसरे को नफ़रत की निगाह से देखें, तो ये जादू की अलामत होती है। ये आम हालात में मियां बीवी बिल्कुल ठीक होते हैं बाहर के माहौल में, लेकिन जब आपस में घर में रहते हैं तो आपस में लड़ाई झगड़ा पैदा होता है और उस लड़ाई झगड़े की नोयत से घर के अंदर अफरा तफरी, घर के अंदर बेचैनी बेसकूनी पैदा होती है। तो ये हासिदीन जो लोग होते हैं जो किसी का घर उजाड़ना चाहते हैं, घर बर्बाद करना चाहते हैं, तो वो उस घर वालों के ऊपर मियाँ बीवी के ऊपर जादू कर लेते हैं। कभी वो जादू सिर्फ खामद के ऊपर होता है ताकि वो अपनी बीवी से लड़े और बीवी उससे मुतनफ़र होकर घर से चली जाए, और कभी सिर्फ बीवी के ऊपर जादू होता है ताकि वो अपने खामद से लड़ाई झगड़ा करती रहे, हर सूरत में खामद से उसकी ना बने ताकि खामद तंग होकर उसको तलाक दे दे ताकि उनका घर बर्बाद हो जाए। तो ये हासिदीन लोग वो जो किसी का घर बर्बाद करते हैं, वो जादू की अलामत में से एक अलामत ये भी है। इसलिए अल्लाह पाक ने ऐसे हासिदीन से, शर्मसंदों से अल्लाह पाक सबको महफूज फरमाए और मसनून आमाल के ज़रिए अपने आप को इस तरह के हासिदीन से अपनी हिफाजत करें। पांच वक्त की नमाज़ पढ़ें, मसनून आमाल करें। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक दे।